नमस्कार, मास्टर शेफ रूपाली में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे धपाटे। एक महाराष्ट्रीयन रेसिपी है और जब गर्मियां कम होके थोड़ी सा बरसात शुरू होती है तो इसमें खाने में इसे बहुत ही मजा आता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या लगता है। तो इसके लिए मैंने लिया है ये 2 कटोरी ज्वार का आटा और 1 कटोरी गेहूं का आटा। जितना ज्वार का आटा है उससे हाफ आप गेहूं का आटा लीजिए और 1/2 कटोरी बेसन, 2 कटोरी ज्वार का आटा, 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1/2 कटोरी बेसन। उसके बाद मैंने ये लिया है 5 से 6 हरी मिर्च और लहसुन की 6 से 7 कलियां, इसे दरदरा मैंने पीस लिया है। नमक और मसाले में मैंने लिया है ये धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी, अजवाइन आप इसमें ज़रूर डालिए, थोड़ा सा जीरा और 1 तिल और कसूरी मेथी। आप चाहे तो धनिया भी डाल सकती है, हरा धनिया भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने कसूरी मेथी ली है। तो सबसे पहले हमें ये सब आटे मिक्स करने हैं। ज्वार का आटा 2 कटोरी, गेहूं का आटा उससे हाफ 1 कटोरी, ये नाप आप ध्यान में रखिए, और 1/2 कटोरी बेसन। इसी में जाएगी एक हल्दी थोड़ी सी, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, अजवाइन 1/2 चम्मच और थोड़ा सा जीरा। इसके बाद इसमें जाएगी एक कसूरी मेथी। सब मसाले आप मिक्स कीजिए। अब इसमें मैं हरी मिर्च और लहसुन का दरदरा पेस्ट डाल दूंगी, तीखा आप अपने हिसाब से ले लीजिए और नमक स्वाद अनुसार। अब इसे पूरा मिक्स करके ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स कीजिए, इसमें एकदम से पानी मत डालिए। देखिए मैंने कैसे इसे मिक्स करके बना दिया है, गोला तैयार हो गया है धपाटे का आटा। तो इसे 10 मिनट के लिए ढक के ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद हम इसके गर्मा गर्म धपाटे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे कोई भी कपड़ा गीला करके ले लीजिए, इसे फैला दीजिए ऐसे। फिर आटे का एक गोला ले लीजिए, देखिए, और जो ये तिल है सफेद तिल, इस पे ऐसे डुबा दीजिए तो पूरा इसमें तिल ऐसे चिपक जाएगा। और उसके बाद इसे ऐसे थपथपा के थोड़ा सा हाथ को पानी लगा दीजिए। एक पूरा पतला ऐसे फैलाना है इसे। इसे थपथपा के मैंने कैसे पतला ऐसे कर दिया है। अब इसे हाथ से बिल्कुल मत डालिए, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो पहले ये ऐसे कपड़ा उठा लीजिए और ये डायरेक्ट कपड़ा ऐसे तवे पे डाल के कपड़ा हटा दीजिए ध्यान से। देखिए अब इसे 2 मिनट लगेगा पकने में, तो पहले धीमी आंच पे या मीडियम फ्लेम पे भी आप बना सकते हैं। इसे 2 मिनट यहाँ से सेकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा तेल मैंने छोड़ दिया है,
आप चाहे तो घी भी लगा दीजिए, बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। मैं घी लगाती हूँ। 2 मिनट के बाद इसे पलटा कर देते हैं। सेक गया है, देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है। फिर इसे 2 मिनट सेकेंगे अच्छे से। थोड़ा सा तेल डाल दिया है तो इसका कलर देखिए, ब्राउन कलर इसका हो गया है। तेल भी देखिए कैसे ब्राउन हो गई है। तो ये बनके खाने के लिए तैयार है। इसे निकाल देते हैं प्लेट में। तो बनके तैयार है खमंग रेसिपी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी धपाटे। इसमें सब आटे रहते हैं इसलिए खाने के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज इसे बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।